नमस्कार, गो विद वेदास में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनामिका चौहान और आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि वैदिक आइडियोलॉजीज का लाइफ कोचिंग के साथ क्या कनेक्शन है। कोचिंग का मतलब होता है किसी को गाइड करना, ना कि सिर्फ क्रेडिट लेना इस बात का कि देखा मेरी सजेशन की वजह से तुमने लाइफ में कितना कुछ अचीव किया। सेम वे वैदिक नीतीज जो पॉलिसीज होती हैं, वो नीतियाँ जैसे कि कूटनीति, राजनीति हमें ये सिखाती हैं कि जब भी आप किसी को समर्थन करें या किसी तरह की स्ट्रैटेजी बताएं। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा के पास दो तरह के लोग होते हैं, मिनिस्टर्स और स्ट्रैटेजिस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मंत्रीज और तंत्रीज। सो मंत्रीज और तंत्रीज का ये काम होता है कि किस तरह से वो राजा को हेल्प करें ताकि राजा अपने लीडरशिप स्किल्स को अच्छी तरह से निभा सके या फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन में डाल सके। तो जो मंत्रीज होते हैं, दे आर मिनिस्टर्स, दे आर सपोज टू टेक द असाइनमेंट्स फ्रॉम द किंग एंड पास इट ऑन टू देयर जूनियर्स। लेकिन जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, जो तंत्रीज होते हैं, उनका ये काम नहीं होता कि वो सामने से जाके सभा में बैठें और हर चीज़ को निरीक्षण परीक्षण करें और एनालाइज करें कि ये काम कैसे हो रहा है। जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं वो एक्चुअली मार्केट में एक भेस बदल के घूमते रहते हैं ताकि उनको इस बात का पता चले कि राज्य में एग्जैक्टली कैसे फंक्शन हो रहा है। यही वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिन्हें कभी भी किसी बात का क्रेडिट नहीं चाहिए, ना तो इस बात का कि राज्य में कुछ खराब हुआ, ना ही इस बात का कि राज्य में बहुत कुछ अच्छा हुआ। उनका सिंपल काम होता है एक पर्टिकुलर मिरर दिखाना कि देखो राजा, तुम्हारे राज्य में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। सिमिलरली, एक लाइफ कोच जब वैदिक मूल्यों के साथ या फिर वैदिक प्रिंसिपल्स के साथ आपको कोच करता है, उसका ये काम नहीं है ये बताना कि देखो तुम जो कर रहे हो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, बल्कि एक कोच एक मिरर दिखाता है कि जब भी हम ज्ञान या विज्ञान यानी कि नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों को एक्सपेरिमेंट के साथ लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ सफलता हमेशा हाथ होगी। इसका मतलब ये नहीं कि ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा। वैदिक नॉलेज के हिसाब से कई लोग इस बात को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि वैदिक ज्ञान या फिर कूटनीति का सिंपल काम है हमें ये बताना कि देखो डर के आगे जीत है। वैसे कोई बात नहीं होती, क्योंकि कई सारे डर जो हमारे मन में होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एज अ लाइफ कोच हमें किस प्रकार के आइडियोलॉजीज़ जो हमारे इस लाइक नेगेटिविटी है या फिर हमारी वीकनेसेस है उसके ऊपर हमें काउंटर करना होता है। नॉट जस्ट लाइफ कोचेज बट वेन यू वर्क विथ लाइफ कोच, वो भी आपको इस काम को करने में बहुत बड़ा हेल्प करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा and if you like the concept and if you want to know more around this Vedic coaching concept, make sure that you subscribe. Do share your views and feedback in the comment section for more questions. I am going to take it up in my next episode. Tab tak ke liye, namaskar.